तो माइनक्राफ्ट की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ऊपर ये जो बहुत सारी छोटी छोटी ये चीज़ें तुम्हें लिखावट दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब ये समझ जाओ, अगर जिन लोगों को नहीं पता था, कि मैंने थोड़ी चापलूसी करने की कोशिश करी थी कि मैं माइनक्राफ्ट का बीटा वर्जन में घुसूंगा और मुझे जो पेल गार्डन का नया बायोम का अपडेट है मुझे वो पहले ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर से ये मेरे साथ एक हादसा हो गया कि बीटा वर्जन में घुसने के बाद मेरा पुराना वाला माइनक्राफ्ट वापस नहीं आ रहा, क्योंकि इधर पे ये जो ऊपर से ये टेक्स्ट वगैरह हो रखी है वो अलग से इसका जो प्रॉब्लम है वो हो चुका है। तो बीटा वर्जन से मैं बाहर निकल चुका हूँ, लेकिन बीटा वाला जो फाइल है वो नहीं गया, तो मुझे पता नहीं इसके बाद मैं क्या करूँगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे एक नया वर्ल्ड, रैंडम सा वर्ल्ड जनरेट किया था। तो इस रैंडम से वर्ल्ड के अंदर मेरे साथ बहुत कुछ हादसे हो रहे हैं। सबसे पहले तो देख सकता हूँ फिर से यहाँ पे बारिश आ चुकी है, ये एक नए वर्ल्ड में मैं आ चुका हूँ लेकिन फिर भी इधर भी बारिश हो चुकी है। और भाई मैंने अब तक 2 या 3 जब रैंडम वर्ल्ड जनरेट किए हैं, जो मैंने पहला वाला जनरेट किया था जिसके ऊपर मैंने नॉर्मल अपना बेस बना रखा था, सर्वाइवल स्टार्ट किया था, वहाँ पर तुमको पता है कि मुझे 700 ब्लॉक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया था, बाकी सारे बहुत रेयर से बायोम्स भी मिल स्ट्रक्चर्स मिल गए थे। तो ये भी, अबे यार रात हो चुकी है, मैं क्रिएटिव में हूँ ना, दिन कर लेते हैं, हो गया। तो ठीक है, तो ये देख सकते हो हमारा स्पॉन पॉइंट है 1 और 5, यहीं पे हम लोग स्पॉन हुए थे। अब मैं तुम लोगों को ये यहाँ पे, ओ देखो वो स्केलेटन निकल के आ गया है इधर से, ऊपर तो बारिश वगैरह हो रही है ना। एक सेकंड, ये कोर स्लेटर नहीं, तो ये स्केलेटन को कुछ होगा नहीं, देखो ऐसे ही घूम रहा है क्या रे। हाँ स्केलेटन, एक बात मतलब ये चीज़ है कि जो नॉर्मल ब्लॉक्स हम लोग एक बार क्रिएटिव में मारते हैं तो वो टूट जाते हैं, लेकिन स्केलेटन से मॉब्स वगैरह वो नहीं फटते। ओ विच आ चुकी है इधर पे, बहुत बढ़िया बात है। विच, पहले मुझे लगता था कि विच सब जंगलों में ही दिखने को मिलती है या फिर डार्क प्लेसेस में, लेकिन नहीं अब तो कहीं भी मिल जाती है। हाँ, तो ये जो मैंने तुमको बेसिकली दिखाना था कि ये जो देख सकते हो, ये मैं मुझे एक प्लेन्स के ऊपर स्पॉन किया गया है, रिस्पॉन पॉइंट है, और तुम मतलब लिटरली यकीन नहीं करोगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। सबसे पहले देखते हैं, तो मुझे इस साइड पर जाना चाहिए, माइनस पर जा रहे हैं तो उस साइड पर जाएंगे। अच्छा ठीक है चलो यार, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ये रहा। पहली बात तो मुझे ये नहीं पता, मेरा जो छोटा भाई है वो तो मुझे बोल रहा था कि ये जो मैंने बीटा वर्जन में आके नया विलेज जनरेट किया है, तो देखना ये जो नया वर्ल्ड जनरेट हुआ है इसमें बहुत ग्लिचेस आएंगी, बहुत बग्स होंगे, करप्टेड वर्ल्ड है ये, वो तो मुझे ये बोल रहा था। क्योंकि अब ये मुझे वो करप्टेड क्यों बोल रहा था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन देख सकते हो मेरे स्पॉन पॉइंट्स के 100 ब्लॉक्स के आसपास एक विलेज मिल चुका है, जो कि शायद ये कोस्टल विलेज कहा जाता है इनको, और कोस्टल विलेज के साथ। और टेंशन लेने की बात नहीं है, इस जो नया वर्ल्ड मेरा जनरेट हुआ हुआ है रैंडम वाला, ये मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, लिंक मतलब सीट दे दूंगा, सीट का जो नंबर है, तुम लोग भी इस पर जाकर देख सकते हो कि तुम लोगों को कैसा लगता है, क्योंकि ये वर्ल्ड भी हमें एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा। क्योंकि इस विलेज में जब हम सबसे सामने आते हैं तो सामने हम देखने को मिल जाए ब्लैक स्मिथ। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें विलेज में ब्लैक स्मिथ मिल जाता है, ब्लैक स्मिथ का हट, यहाँ पे लावा फ्री का मिल गया, मतलब 2 ऑब्सीडियंस फ्री के मिल जाएंगे, और उसके ऊपर से यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा घूमने के बाद हमें चेस्ट भी मिल जाता है। मुझे पता नहीं, बाकी मैंने यूट्यूबर्स के वीडियोस में देखा है कि वो जब ब्लैक स्मिथ के विलेज में जाकर चेस्ट खोलते हैं तो उन्हें इधर से बहुत कुछ मिल जाता है। अब देखो ये मैंने थोड़ा चेंज कर लिया है पॉकेट एडिशन के हिसाब से, क्योंकि नहीं तो मेरा जो लोकेशन है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए अंततः करना पड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर फालतू की चीज़ें पड़ी हुई है, और तो मेरा भाई तो कह रहा था कि इसके ऊपर भी कुछ मिलता है इधर पर, लेकिन थोड़ा ऊपर जाएंगे देख सकते हो ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली है। वो कह रहा था कि इधर भी चेस्ट वगैरह मिलते हैं, ये एक आंख वाला ब्लैक स्मिथ इधर पे है। और ये विलेज भाई काफ़ी बड़ी विलेज है, यहाँ पे देख सकते हो ये भी छोटा विलेज है, इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे घोड़े रखे हुए हैं फ्री के, कैद किए हुए, और यहाँ पे ये जो देख सकते हो पानी आसपास है बहुत सारा, हमें सैंड भी इधर से मिल जाता है, साइड में ये भी है, और उस साइड पे कुछ नहीं है, उससे थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ये पानी नहीं जाएगा तो मतलब देखने में अच्छा नहीं रहेगा, एक सेकंड मैं इसको क्लीन करता हूँ, टाइम एक सेकंड वेदर को क्लियर करते हैं, रेन चला जाएगा, हाँ चला गया। तो ये हमारे पास एक लाइब्रेरी टाइप की आ चुकी है, देख सकते हो हमारे पास एक लाइब्रेरी भी है, और लेक्टर्न के साथ हमारे पास इधर पे वो भी मिल जाता है, देख सकते हो बहुत ही बड़ा विलेज है ये। और सबसे जो आखिरी चीज़ मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो का थंबनेल से, और तुम लोगों को नाम क्या है उसका, इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल से पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। सबसे पहले तो ये देख सकते हो यहाँ पे नीचे केविंग वगैरह जा रही है, मुझे लगता है उधर से भी एक विलेज है, इधर से भी एक विलेज है, एक बड़ा देख सकते हो एक निकम्मा विलेजर बैठा हुआ है, और ऊपर देख सकते हो वहाँ पे एक चीज़ है, लिटरली तुमको पता नहीं है कि वहाँ पे ऊपर क्या हो सकता है।
और एक अनोखा सा स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये विलेज के इस साइड पर देख सकते हो, नीचे पानी है, पानी या फिर नदी कोई भी काम कर लो, ऊपर से इतना बड़ा एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे यहाँ नीचे तुम्हें मॉब स्पॉनिंग होते दिख जाएंगे, चाहे वो ड्राउन हो गए या फिर एक नीचे आते हैं, नहीं कुछ नहीं। ओ ये भी कुछ अलग साइज स्ट्रक्चर है, नीचे इतने सारी डर्ट है। ये वर्ल्ड भी हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा बहुत। माइनक्राफ्ट अब तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है कोई वीडियो बना के, क्योंकि एक्सप्लोरेशन मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे देख सकते हो विलेज बहुत ही बड़ा है, तो ये भी देखो स्टार्टिंग के लिए सर्वाइवल करने के लिए ये मैप बहुत ही अच्छा मैप है। और यहाँ पे देख सकते हो ये अलग अलग साइज स्ट्रक्चर बना हुआ है इधर पे। अगर तुम यहाँ पे कोई टॉर्चेस लाइटिंग वगैरह नहीं करता तो यहाँ से तुम लोग दिन के टाइम पे मॉब्स को बुला के एक एक करके मार के बहुत सारे मॉब के जो आइटम्स मिलते हैं वो ले सकते हो। उधर पे शुगर केन उगी हुई है पहले से ही, इधर पे हमारे पास दो बोन मील जनरेट नहीं हुई है, इधर पे आलू और बीट रूट हमारे पास उग चुके हैं, उधर पे एक और विलेजर है। सबसे अनोखी चीज़ तो तुम लोग को अब देखने को मिलेगी इधर पे ये है, ठीक है, फिर थोड़ा हवा में उड़ जाएंगे। इस विलेज में हमारे पास एक कैसल भी है, ये अलग बात है कैसल के अंदर कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे कैसल है हमारे पास, देख सकते हो। ऐसे अगर हम कैसल के ऊपर जाएंगे तो जैसे हम लोग नीचे जाने को देखने को मिल जाता है। मुझे पहली बार ये कैसल मिला है कुछ विलेज में। और ये देख सकते हो ये जो एक वियर्ड सा स्ट्रक्चर है जिसके नीचे मॉब स्पॉन हो सकते थे, यहाँ पे इसके ऊपर एक और दो विलेज के हट्स हैं, एक या दो, ये एक है, ये दूसरा है, तीसरा हट है। और यहाँ पे भी हम लोगों को देखने को गाजर मिल जाती है बहुत सारे। तो देखो यहाँ तक तो ठीक था, अभी तो मैं क्रिएटिव में हूँ, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे सर्वाइवल करेगा, समझो हार्डकोर में सर्वाइवल करता है क्योंकि बेडरॉक में हमें हार्डकोर मोड आ चुका है, तो उन लोगों को भाई मुझे उसके उनके लिए बहुत दुख हो रहा है। ये देखो एक बेबी विलेजर से घूम रहा है, बेबी विलेजर्स बहुत ही प्यारे होते हैं देखने में, ये देख सकते हो। अरे किधर गया वो, रहा घूम रहा है, ये रहा। अच्छा क्या फीमेल विलेजर्स नहीं होते, शायद तो मुझे मेल ही लगते हैं, खैर वो छोड़ो। लेकिन उसके ऊपर जो ये चीज़ है, पहले तो मुझे लग रहा था कि ये एक आइलैंड है, हाँ हाँ कोई बात नहीं। और मेरे दिमाग में ये भी एक बात आया था, वो कोल कोई ले नहीं पाएगा, लिटरली कोई नहीं ले पाएगा जो सर्वाइवल में हार्डकोर मोड में खेल रहा है इस सीट के ऊपर। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम लोग कैसे जाएंगे। ओ इधर पे कॉल्ड्रॉन भी है, एक सेकंड, इसके अंदर भी चेस्ट होगा, कोई फालतू की चीज़ें ही होंगी शायद। और ये ओ इस पे एमरल्ड है और साथ में लेदर के आर्मर्स हैं, भाई बुरी चीज़ नहीं है जो एकदम पहली बार। अबे ये बच्चे ऊपर कैसे आ गया, नीचे गिर जाएगा तो तुझे लग जाएगी, नीचे ही उतर जा, ऊपर नहीं चढ़ा करते। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है हमारा स्काइपिया आइलैंड। जो वन पीस से वाकिफ़ है उनको पता होगा कि स्काइपिया का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक स्काई आइलैंड होता है। देखो यहाँ तक तो ये ठीक था, स्काई आइलैंड ऊपर से इसके ऊपर भी देख सकते हो एक पिग या फिर कुछ है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर गया था भाई, ये देखो ये क्या है, ये सचमुच का स्काइपिया है, ये मुझे सचमुच का स्काइपिया मिल गया है माइनक्राफ्ट एक नए रैंडम से जनरेट हुए वर्ल्ड में। ये शायद एक करप्टेड वर्ल्ड भी है, करप्टेड वर्ल्ड के अंदर ऊपर यहाँ पे आयरन गोलेम यहाँ पे घूम रहा है, इधर पे एक विलेजर भी घूम रहा है। ये कौन से विलेजर है वैसे, क्या मैं सब ट्रेड कर सकता हूँ, शायद नहीं ट्रेड किया जा सकता है। ये फिशरमैन है, मुझे पता नहीं ये फिशरमैन इतने ऊपर क्या कर रहा है। इधर पे पानी का एक फवारा जनरेट हो चुका है, यहाँ पे ये घंटा लगा हुआ है। अब मुझे ये बात बताओ कि मुझे पता है कि घंटा जब हम बजाते हैं तो विलेजर्स यहाँ पे घंटे के पास तक खड़े हो जाते हैं या फिर घर में घुस जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे घंटा बजाऊंगा तो सारे विलेजर्स यहाँ पे कैसे आएंगे। यहाँ पे ऊपर लिटरली दो हट्स है विलेजर्स के, घर हैं, आयरन गोलेम है, कैट है, उसके ऊपर से एक पिगी है, उसके ऊपर से यहाँ पे एक वो भी था, नाम क्या था उसका, शीप जो मैंने कल यहाँ पे देखा था। लिटरली नीचे यहाँ पे यह घुसने की जगह भी है और ऊपर से इधर पे भाई इस तरीके के स्ट्रक्चर्स कैसे जनरेट हो रहे हैं मुझे, एक सेकंड, वो ब्लैक स्मिथ का घर है। ये देख के सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि ये क्या चीज़ है भाई, क्या ये सचमुच का कोई करप्टेड वर्ल्ड है या फिर आई डोंट नो। मेरा लक ही ऐसा है जब भी मैं कोई रैंडम सा वर्ल्ड जनरेट करता हूँ, ये शायद मैंने दूसरा या फिर तीसरा रैंडम सा जनरेट किया हुआ वर्ल्ड है माइनक्राफ्ट के अंदर। इससे पहले मैं टेम्पलेट्स में खेला था, बाकी जो तीन चार वर्ल्ड्स बनाए थे। तो इसके अंदर देख सकते हो लिटरली यहाँ पे कोई भी मॉब पहुँच ही नहीं पाएगा ऊपर से। ये छोटा सा इधर पे एक गाँव ही बसा लिया है इन लोगों ने। यहाँ पे देख सकते हो ये कैट नीचे यहाँ पे अटक गई है, नीचे नहीं जा सकती। ऊपर से देख सकते हो ये बहुत, और ये तो बस मैंने तुमको प्लेन विलेज दिखा दिया, लेकिन इसके साइड में जो मैं इसका साइड में थोड़ा और गया था, लेकिन इस वीडियो में नहीं जाऊँगा, किसी और वीडियो में जाऊँगा या फिर इसके बाद वाली वीडियो में, क्योंकि भाई तुम यकीन नहीं करोगे यहाँ पे थोड़े आस पास कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स जनरेट हुए पड़े हुए हैं आस पास। मैं तो अभी तक ज़्यादा दूर तक गया भी नहीं हूँ, हवा में ऐसे ही ब्लॉक्स लटके हुए हैं। पता नहीं ये बीटा वर्जन हो इसीलिए थोड़ा करप्टेड वर्ल्ड जनरेट हुआ है या फिर कुछ और हुआ है। थोड़ा उधर जाऊँगा तो वही देख सकते हो, वो देखो थोड़ा अलग सा ही स्ट्रक्चर है। चलो इधर पर जाकर दिखाई देता हूँ। कल मेरे छोटा भाई को मैंने पृथ्वीश को दिखाया था, वो देख के चौंक गया था। ये देख सकते हो ये एक छोटा सा सैंड का कोई पिलर जैसा कुछ हो रखा है। इसके यहाँ पे कोबल स्टोन्स भी हैं,
डर्ट भी है, सैंड स्टोन्स भी है, सैंड स्टोन्स के ऊपर सैंड भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनोखी बात यह है सैंड स्टोन्स के ऊपर मशरूम्स, स्टोन के ऊपर नहीं सैंड के ऊपर, लेकिन हाँ सैंड के ऊपर मशरूम्स जनरेट हो चुके हैं। ये भाई अलग ही चीज़ हो रखी है। ये वर्ल्ड करप्टेड है या फिर नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस वर्ल्ड में बहुत ही उटपटांग सी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे इतने ऊपर देख सकते हो कछुए घूम रहे हैं, कछुए घूमते थे सैंड के ऊपर लेकिन ये डर्ट के ऊपर ही घूमा जा रहा है। इस वर्ल्ड में कुछ और भी अजीबोगरीब स्ट्रक्चर जनरेट हो चुके हैं, जैसे कि वो वाला ही देख लो, इतने पास मेरे माउंटेन जैसा कुछ बायोम आ चुका है, लेकिन मैं अभी इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। वीडियो को बस इतना ही रखूँगा, तुम लोग को बस ये स्काइप या आइलैंड मुझे दिखाना था। यहाँ पे देख सकते हो ये तो खैर छोड़ो, ये तो वो चीज़ है। अच्छा मैं किधर से आया था, यहाँ पे देख सकते हो एक और गुफा टाइप की है नीचे। लो मैं खो गया फिर से, ओ नहीं नहीं आ गया, ये है तुम्हारे स्पॉन पॉइंट के इतने पास स्काइप या आइलैंड मिल रहा है भाई। ये तो मतलब कुछ अलग से ही सीन मिल चुकी है। तो इसका तो लिंक मैं जो सीट का नंबर है इसको मैं क्या कहते हैं उसको ट्विटर में भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम में भी डाल दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा। बाकी लोकेशन भी तुम देख सकते हो, विलेज इतने पास है भाई। लिटरली ये क्या चीज़ है सच में, स्काई आइलैंड सच मुझे मिल गया। जनरेट ये जनरेट कैसे हुआ है, ऊपर जाएंगे हम लोग कैसे, अलग ही चीज़ है। यहाँ पे तुम्हें मॉब्स मिल जाएगा दिन के, वैसे अब तक कोई मॉब स्पॉन नहीं हुआ है इधर पे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ माइनक्राफ्ट की एक और नई वीडियो में।